Hello, this is Anil Prajapati from my official channel, Anil Prajapati Sir. This is Anil Prajapati Sir from Prajapati Science Classes. आज मैं आपको सिखाऊंगा कुछ नई चीजें. For example, day. ये क्या सिखाएंगे सर? तो कुछ तो सिखाएंगे day की. Day, कौन से days होते हैं? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. सबको पता है, ये तो days of a week है. तो मैं क्या सिखाने वाला हूँ? मैं ये सिखाने वाला हूँ कि आप दुनिया का कोई भी डेट दे दीजिए मुझे, कोई भी चीज. फॉर एग्जाम्पल, 16th June 1948, इस दिन डे कौन सा था, ये कैसे ढूंढोगे? क्वेश्चन अजीब है बट क्वेश्चन यही है. ऐसे क्वेश्चंस कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसको एप्टीट्यूड बोलते हैं. इसका ये टॉपिक आज मैं आपको कराने वाला हूँ, जिसको आते हैं कैलेंडर. ठीक है, कैलेंडर का कोई भी डेट आप दे दो, मैं आपको डे निकाल के दिखाऊंगा. ये आप भी कर सकते हो, मैं आपको सिखाऊंगा आज ट्रिक वो. तो हम लोग करते हैं स्टार्ट. हाउ टू फाइंड द डेट. द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन. अब बताओ कौन सी डेट लू. चलो तो सबसे इजी और सबसे अच्छी डेट ले लेते हैं, 15th August 1947, द इंडिपेंडेंस डे. उस दिन डे कौन सा था आप गूगल पे सर्च करके रखना, मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ. थोड़ा सा टाइम लेगा बट आंसर आपको राइट देगा. उसके लिए कुछ पॉइंट्स आने चाहिए आपको. तो मैंने कुछ बना के रखा है टेबल, इस टेबल को ध्यान से देखना, इसका स्क्रीनशॉट ले सको तो ले लो. ठीक, देखिए ये मैंने डे लिखे, डे संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. ठीक है, ये और डेज. और डेज क्या होते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे. इट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. इनमें से कोई डे बचा, ये आंसर में आया. अगर 3 आंसर आया तो इट इज वेडनेसडे, 4 आया तो थर्सडे, 6 आया तो फ्राइडे, 0 आया तो संडे. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर आप देख लीजिए आपको याद रखेंगे. अभी कुछ कैलकुलेशन करने के बाद कुछ आया ही जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स की कुछ कैलकुलेशन करने के बाद फाइंड आउट किए गए. आप डायरेक्टली रिमेंबर कर लीजिए, क्योंकि इसका कैलकुलेशन बताने के लिए एक और वीडियो बनाना पड़ेगा कुछ आधे घंटे का, तो उससे आपको इसका कैलकुलेशन आएगा. अभी के नाम 100 साल रहा तो 5, 200 साल पे 3, 300 साल पे 1, 400 पे 0. एग्जाम्पल के लिए अगर कोई आपको 1600 बोलता है तो ये किसका टेबल है, इनमें से इट इज 400 का टेबल, मतलब 4 × 400, तो इसका भी आंसर होगा 0. एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, अगर हमारा आता है 1800 तो आपको उसको दो पार्ट में लिखना पड़ेगा, इट इज 1600 + 200. ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि 1600 का डायरेक्ट आंसर है 0. 1600 का डायरेक्ट आंसर है 0, तो आपका ये टाइम बच जाएगा और आपका सीधा 1800 हो जाएगा 200. अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो 1900 लेते हैं, तो 1900 में भी दो पार्ट कर दो, 1600 और 300, इसका फिर से आंसर हो जाएगा 0 और उसका आंसर इधर लिखा हुआ इट इज 1. ऐसा कुछ कैलकुलेशन होगा. तो कैलकुलेशन होगा, आपको दो मैं डेट्स दूंगा. पहला डेट होगा 15th August 1947 और एक आज का दिन. आज का दिन है इट इज 16th May 2018. ये दो डेट का डेज फाइंड करने वाले हैं, और आपको डेज फाइंड, डेट फाइंड करने के बाद डे फाइंड करने का आप चेक करना सेम डे होगा. फिर आप अपने बर्थ डेट का डे निकाल के देखना, शायद आपको पता चल जाए कि उसे डे कौन सा था. मोस्ट ऑफ द पीपल्स को नहीं पता होता तो किस दिन पैदा हुए. चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं. तो कैलकुलेशंस कैसे होते हैं इसके वो सीखना है हमें. तो आपको ये नंबर याद रखना है, 100 के लिए 5, 200 के लिए 3, 300 के लिए 1, 400 के लिए 0. नेक्स्ट इज लीप ईयर के लिए 2, ऑर्डिनरी ईयर के लिए 1. और ये मैंने डेट्स लिखे हुए हैं जो आपको भी पता है, इट इज 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31, अगेन 31, 30, 31, 30, 31. ओके, दिस इज फेब. फेब इज 28 or 29 डिपेंडिंग अपॉन द लीप ईयर. आपको पता है लीप ईयर किसको बोलते हैं? यस, लीप ईयर मीन्स वो ईयर जिसमें 366 डेज होते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, उसको लीप ईयर बोलते हैं. उसके लिए आप काउंटिंग टूल ले रहे हैं. अब लीप ईयर पहचाना कैसे जाता है? लीप ईयर वो होता है जो 4 के टेबल में आता है, उसको लीप ईयर बोलते हैं. 4 का टेबल मतलब 4 का टेबल. इट इज फॉर एग्जाम्पल 64, तो ये वाला लीप ईयर है क्योंकि 2064 है. अभी जो साल चालू है 2018, दिस इज नॉट अ लीप ईयर क्योंकि 18 4 के टेबल में नहीं आता. तो 2016 लीप ईयर था
तो उस टाइम पे फेब महीने में 29 डेज थे, इसको बोला जाता है लीप ईयर। तो आपको कुछ लीप ईयर पहचानने कि इसमें कितने लीप ईयर होंगे कितने नहीं होंगे, तो आप थोड़ा सोचना उसके बारे में कि मैंने कैसे कैलकुलेशन किया। सो विल स्टार्ट विद द वीडियो, विल स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन। 15th August 1947 का डे शुरू करते हैं। फर्स्ट इसका स्टेप्स क्या है वो देख लीजिए। 1947 होने तक कितने साल हो चुके हैं, कंप्लीट ईयर्स कितने हैं। सो वी विल फाइंड द कंप्लीट ईयर्स आर 1946 कंप्लीटेड ईयर्स, 1946 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसमें से देखते हैं कैसे कैलकुलेशंस होते हैं। तो इसके पार्ट कर लेते हैं, जितना इजी कैलकुलेशन हो सके उतना अच्छा है, आप दूसरे कैलकुलेशन से भी जा सकते हो। इनमें से सबसे इजी जीरो लगता है, तो इनमें सबसे 4 का टेबल आएगा 1600। अब कितने साल बच गए, 346, तो उसमें दे दो 300। अब कितने 1900 हो चुके, 1900 हो चुके, बचे कितने 46, तो 46 ही दे रहे। हर साल आपको ऐसे ही करना है, 19 के आसपास का नंबर आएगा, 1800 आएगा, तो ऐसे ही करना आपको। 1600 का आंसर डायरेक्टली मैंने आपको दिया है कि जीरो। क्यों 1600 का आंसर जीरो, क्योंकि वो 4 का टेबल। 300 का आंसर कितना दिया है 1। अब 46 के बारे में हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा, फिर वो 46 इधर नहीं है। अब 46 सालों में से दो पार्ट, एक होते लीप ईयर, एक होते ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर मतलब सिंपल ईयर जो इस साल है। कितने लीप ईयर होंगे तो उसको डिवाइड बाय 4 कर दोगे, तो डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपको मिलेगा 44 विच इज 11। 11 साल इसमें से लीप ईयर, क्योंकि 11 फोर से 44 होता है, फिर 48 होगा जो 12वां साल है जो अभी तक हुआ नहीं है। तो इसमें से 11 माइनस कर दो तो बचे कितने 35। ऐसे लीप ईयर पर कैलकुलेशन होते हैं। अब लीप ईयर के लिए कितना लेने को बोला आपको 2, और ऑर्डिनरी ईयर के लिए 1, तो इट विल बी 22 35। दोनों को प्लस कर दो कितना हुआ 57। अब जो भी प्लस करने के बाद नंबर आता है उसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाय 7, और आपको इधर सिर्फ रिमाइंडर लिखना है। डिवाइड बाय 7 करके 7 8 56, तो बचेगा 1। पहले आपको इसमें से लीप ईयर डिसाइड करने हैं, लीप ईयर कितने हैं 11, वो आपने 4 से डिवाइड करके देखा। एग्जांपल के लिए अगर आपको क्लियरली एकदम दिखाना है तो 46 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 4 6 4 1 4, आगे डिवाइड मत करो पॉइंट में आएगा, बस 11। तो 11 लीप ईयर हो गए, तो 11 लीप ईयर हो गए, 46 से 35 ऑर्डिनरी ईयर हो गए। ऑर्डिनरी ईयर के लिए आपको 1 याद रखने को बोला, 35 लीप ईयर के लिए 2 22, दोनों को प्लस करो तो आपको मिला 57। 57 में कितने वीक्स है, कितने वीक हो चुके हैं, तो डिवाइड बाय 7 कर लो, तो 7 8 56 आएगा, मतलब एक दिन बच गया वो ईयर। तो एक दिन इधर बचा है, एक दिन यहाँ बचा है, और 0 डेज इधर बचा है। अब तक ये कैलकुलेशन हो चुका है, ये है 1946 कंप्लीट। अब आपको 1947 में जाना है, हमारा आंसर आने वाला है 1947 की लास्ट कैलकुलेशन। 1947 के अंदर हमें कहां तक जाना है, अगस्त 15। अब 1947 इज अ नॉन लीप ईयर विच इज ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो इसमें कितने दिन होंगे 31 28 31 30 31, दिस इज अप्रैल मई जून जुलाई, दिस इज 30 अगेन 31, एंड अगस्त में होते हैं 15। क्यों अगस्त में 15, क्योंकि अपने को 15 अगस्त का निकालना, इनका टोटल करना पड़ेगा। सो टोटल बहुत इजी है, सब 3 के टेबल है, सोचो इट इज 1 2 3 4 5 6 7, 210 हो गए। फिर ये 2 इसको दे दिए, 211 212, और ये तो 227 हो गया। आप ओरली टोटल कर सकते हो, 3 के टेबल से मल्टीप्लाई कर दो सबको, 15 को छोड़िए, इट इज 227। अगेन इसको भी डिवाइड कर लो 7 से, और जो रिमाइंडर बचता है वही बोलना और आपका आंसर आ गया। इसका 7 से डिवाइड करोगे तो रफ में मैं कर देता हूँ, इट इज 7 2 2 7 7 3 21 17 7 2 40, बचा 3, तो रिमाइंडर आया 3। अब देखिए 3, ये जो बॉक्स के वो नंबर देखिए 0 1 1 3, कितना हुआ 3 1 1 5 5, मीन्स दिस इज फ्राइडे।
So all remainders are added, which is 0 plus 1 plus 1 plus 3, which is equal to 5. 0 plus 1 plus 1 plus 3, which is equal to 5. 5 means Friday. So finally, answer is on 15th August 1947. The day was Friday. So, samjha? Dekhiye. Is tarike ka calculation kiya hai. Ek baar aur dekh lijiye. कोई और डेट लेके आज की डेट ले लेते हैं, ठीक है, रब आउट दिस, फिर से बनाएंगे कुछ ताकि आपको समझ में आए क्लियर इन द वीडियो विल बी ओके. सो आज का डेट है 16th May 2018. दिस इज 16th May 2018, इसका डेट निकालना है. सो इसमें कितने साल कंप्लीट हो गए सोचो. 2017 फर्स्ट कंप्लीट ईयर्स हो गए हैं 2017. इसको डिवाइड करें, 2018 चालू, इसके दो ही पार्ट. क्यों? अपन टारगेट कर रहे हैं 400 का टेबल, लास्ट टाइम 1600 लिया, इस बार 2000 लेंगे, तो 2000 का डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? जीरो. बचेंगे कितने साल? 17. 2000 का डायरेक्ट आंसर है जीरो. 17 में दो पार्ट होंगे. अब दो पार्ट कौन से? देखिए, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 4 16, आगे मत जाओ. तो 4 साल है लीप ईयर, और दिस इज ऑर्डिनरी ईयर. तो लीप ईयर में कितने बचे? 4. इसमें से 4 हटाओ तो कितने बचे? 13. लीप ईयर के लिए आपको क्या लेने को बोला? 2, तो आंसर आएगा 8. 13 के लिए, इसके लिए 1, तो 13. दोनों को क्या किया था लास्ट टाइम? प्लस करोगे तो कितना आएगा? 21 को किससे डिवाइड किया था? 7. तो बचा कितना? 0 बचा. रिमाइंडर इज 0, दिस इज रिमाइंडर. आपको एग्जैक्टली डिवाइड करके दिस इज 7 21 7 3 से 21, नीचे जो बचता है वो ही लिखना है. दिस इज रिमाइंडर इक्वल टू 0. आगे जाते हैं हम लोग. अब 2017 कंप्लीट हो गया, अब जाते हैं 2018 के अंदर. दिस इज 2018. क्या ये लीप ईयर है? आपको खाली लास्ट के दो डिजिट 4 के टेबल में चेक करना है जो नहीं आते. दिस इज अगेन ऑर्डिनरी ईयर. तो जनवरी में कितने दिन होंगे? 31, फेब में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में तो चालू, तो मई में कितने दिन हो गए? 16. आज 16 तारीख है, प्लस करते सबको, तो 1 2 3 4, 120. दिस इज 136. 3 4 12 136. आज 136 हो गया टोटल. इसको किससे डिवाइड करना है? 7. जो इधर किया था सेम करना है. डिवाइड बाय 7 करोगे तो 7 136 से डिवाइड करो, तो 7 1 7 बचा 66, 7 9 63 बचा 3, तो 3 बचेगा रिमाइंडर और आंसर आ चुका है. ये सब रिमाइंडर्स को प्लस करना है. ये रिमाइंडर इसका हुआ, ये इसका हुआ और ये इसका हुआ. 0 + 0 + 3, रिमाइंडर इज 0 + 0 + 3, आंसर इज 3. 3 में जाओ उस टेबल में, इट इज वेनेसडे. तो आज है वेनेसडे. दिस वॉज द कैलकुलेशन, सो इट इज वेनेसडे. होप आपको ये समझ में आया रहेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ. 2017 के लिए 2017 में डिवाइड किया, 2018 चल रहा है वो आपको नहीं लेना. लास्ट टाइम भी 1947 में हम लोग ने 1946 तक ही लिया, 47 तो चल रहा था. तो 47 का कैलकुलेशन ऐसा होता है, ये सिंपल है. जो नंबर्स होंगे उसको डिवाइड में 7 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग वीक्स को डिवाइड कर रहे हैं, वीक्स को हटा. जो बचे हुए नंबर्स हैं उनको बोला जाता है ऑड डेज. तो अगर हमारा ऑड डे 1 बचता है तो दिस मंडे, 2 बचता है ट्यूजडे, 3 बचता है थर्सडे. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. वेनेसडे आप अपने बर्थडे का चेक कीजिए, नहीं होता आप मेरे कमेंट्स में डालिए कि सर ये डेट का क्या होगा, कैसे कैलकुलेशन होगा, मैं आपको उसका कैलकुलेशन समझाता हूँ कैसे होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.